सिंगर कराची कैंपेन है और उन्होंने कराची के तमाम आर्टिस्ट को ये मौका दिया है कि वो वॉल पर पेंटिंग करें और अपना मैसेज पहुंचाएं लोगों तक, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग गुजर रहे होते हैं उनके पास हार्डली 5 या 6 सेकेंड्स होते हैं हमारी पेंटिंग्स देखने के लिए, तो वो पेंटिंग्स देखें और हमारा मैसेज उन तक पहुँचे, हम लोग भी यही चाहते हैं। और आप देख सकते हैं सब यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी हाँ, रंग दे कराची, अब कराची में एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें कि मुख्तलिफ पेंटर्स को ये मौका फराहम किया जा रहा है कि वो कराची की खिदमत कर सकें और इस तरह कराची के शहर को भी खूबसूरत और सकाफती पेंटिंग से सजाया जा रहा है, जिसमें कि कराची की बेहतरीन और खूबसूरत अवामिल को उजागर किया जा रहा है। कराची को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं हाल दीवारों पे अजीब अजीब इश्तहार लिखे होते हैं, बंगाली बाबा ये बाबा, तो उसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इस कैंपेन में कराची के बासलाहियत नौजवान तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमें एक थीम मिली थी ग्रेफिटी आर्ट जिसे बोला जाता है, हमने उस पर सिटी ऑफ लाइट्स लिखा है। कराची को जो है रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन आजकल जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में होप्स हैं कि कराची फिर से सिटी ऑफ लाइट्स की तरफ जाए। तो और बस हमारी छोटी सी कोशिश है, पहली कोशिश है हमारी। नौजवानों ने सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पेंटिंग बनाई। इंडियन कल्चर की सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कराची सबका शहर है, तो इसमें हम सारे कल्चर्स हैं, ये गिलगिती कल्चर है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं और बलूचिस्तानी कल्चर आगे, और सिंधी कल्चर भी है, पंजाबी कल्चर भी है, बाकी मिक्स कल्चर भी हमने आर्ट वर्क हो रहे हैं यहाँ पे मेटे रंग से कराची का, तो उसके लिए हम बना चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान चतराल और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को भी उजागर किया गया। इसके अलावा दीगर ज़ुबानों और सकाफतों को भी अपनी पेंटिंग का हिस्सा बनाया गया है। कल्चर के बारे में बता रही हूँ, ये उनका ट्रेडिशनल वे है खाना पकाने का। सिंधी और बलोची कल्चर पर भी खसूसी तवज्जो दी गई है, जबकि यहाँ पर मौजूद रेगिस्तानी इलाकों और उनमें रहने वाले अफराद की मुश्किलात और उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी पेंटिंग्स शामिल की गई हैं। नौजवान आर्टिस्टों ने अपनी भरपूर मेहनत के साथ शहर कराची को रंग तो कर दिया, मगर उन्होंने आवाम से भी एक रिक्वेस्ट की। ये पंजाब का मैप है कि पंजाबी जो जो उनकी शहर की स्पेशलिटी है उसको हमें शो किया, जैसे पंजाब की पहलवान रेवड़ी मशहूर है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट मशहूर है, वो वहाँ पे ये मौत के पंखे वहाँ के हैं, वहाँ की जूतियाँ बहुत मशहूर है पंजाब की, इस तरह हमने पंजाब की इतनी स्पेशलिटी दिखाई कि पंजाब में यही चीज़ें मशहूर होती हैं, पंजाब की लस्सी बहुत मशहूर है। आवाम से आपकी क्या दरख्वास्त है, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से पेंटिंग करते हो और फिर कुछ अर्से बाद इस पर कुछ और जुमले लिख देते हैं कोई या ख़राब कर देते हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी आवाम के हमने इतनी मेहनत की है, सबके बस इतना ख्याल रखें, यहाँ पे जो बहुत जो कर देते हैं वो ना करें, और जो पान धूप देते हैं करो कर आके वो